हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, इसके पहले आपने सेट थ्योरी पढ़ी है। सेट में आपको बताया गया था कि हम कुछ एलिमेंट्स को द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उनको हम सेट कहते हैं। कुछ एलिमेंट को हम इस प्रकार से लिखते हैं, मान लिया ए ई आई ओ यू लिख दिया हमने, इनको किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी आप कोई भी ऑर्डर चेंज कर दें इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू इसकी सेम रहेगी। तो ये आपने सेट थ्योरी पढ़ा है कि एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करने से उसकी वैल्यू नहीं बदलती, ठीक है। इसके बाद जब कोऑर्डिनेट की खोज की गई, या कहीं कहीं देखा गया कि मान लिया कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 है और इसी को 2,1 कर दें, तो ये दोनों पॉइंट सेम नहीं होते, यानी ऑर्डर का तो फर्क पड़ता है। तो हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा जिसको क्रमित युग्म कहा गया, ये 2.1 एक्सरसाइज क्रमित युग्म की थी। अब जब ऑर्डर में लिखोगे एलिमेंट को 1, 2, तो इसमें कुछ संबंध होगा, कुछ रिलेशन होगा, उसी रिलेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसी संबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है मॉडर्न अलजेब्रा का, यहीं से मॉडर्न अलजेब्रा थोड़ा सा अपना पीक पे जाती है, और बहुत ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक यहीं से उठता है। देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले यहां पर यह होगा कि मान लिया एक सेट ए है, इस प्रकार से हम लिखते हैं, कोई सेट ए है और इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और एक सेट बी है, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी पी, कुछ भी है यहां पर एल यहां बना हुआ है, और ए से बी में संबंध निकालना है हमको। अच्छा, कार्तीय गुणनफल भी आपने पढ़ा होगा, ए क्रॉस बी, इसमें बताया गया था कि मान लिया कोई सेट ए लिखा हो 1, 2 और कोई सेट बी लिखा हो ए बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि ए और बी में एक ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें पहला एलिमेंट ए का हो, दूसरा एलिमेंट बी का हो, यानी 1, a, 1, b, 2, a और 2, b, ये आपने ऑर्डर पेयर लिखा था। इसको आपने कहा था क्रमित युग्म का, ये कार्टिशियन प्रोडक्ट कहलाता था, कार्तीय गुणनफल, ये आपने पढ़ा है पहले एक साइज में, उसका हम लिंक दे देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अगर 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध एल से है, 3 का संबंध डी से है, 4 का संबंध बी से है, तो इसके सभी एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, हिंदी में प्रांत कहते हैं, लेकिन बार बार हम वर्ड डोमेन यूज करेंगे, उसको आप प्रांत समझ जाएंगे। इसके सभी एलिमेंट को डोमेन कहलाते हैं, इसको हिंदी में सह प्रांत कहते हैं, सह प्रांत, लेकिन बार बार वर्ड यूज किया जाएगा को डोमेन। और इसके जो एलिमेंट इसके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं रेंज, परिसर कहेंगे। तो इन वर्ड का इस्तेमाल करिएगा, बार बार हम रेंज की बात आएगी, को डोमेन की बात आएगी और डोमेन की बात आएगी, तो इसको कैसे नोट करेंगे समझिएगा। आज हम रिलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहां इसका बहुत डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा, यहां बहुत ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जरा समझिएगा। देखिए, हमने कहा एक सेट ए है 1, 2, 3 और ए के एलिमेंट का खुद से कुछ रिश्तेदारी इनकी है, कुछ रिलेशन इनका ये है, तो पहले आप क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, यानी एक बार ए और नोट कर लीजिएगा 1, 2, 3 और ए क्रॉस ए में क्या लिखेंगे, वे सभी ऑर्डर पेयर, वे सभी क्रमित युग्म जिसमें पहला एलिमेंट इसका हो और दूसरा एलिमेंट इसका हो, यानी 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 और 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, पहला एलिमेंट भी ए का है, दूसरा एलिमेंट भी ए का है और मुझे इनमें रिश्तेदारी ढूंढनी है, ध्यान समझिएगा। हमने कहा एक्स, पहला एलिमेंट एक्स है, दूसरा वाई है,
ये इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, हमने कहा x r y वो रिश्तेदारी निकालिए जिसमें x y के बराबर हो, x y के बराबर हो। तो आपने कहा एक तो 1-1 ऐसा एक सेट है, ऐसा एक ऑर्डर पेयर है, एक 2-2 एक ऑर्डर पेयर है, और एक 3-3 एक ऑर्डर पेयर है। यानी r क्या निकल के आएगा, एक तो 1-1 निकल के आएगा, एक 2-2 निकल के आएगा, एक 3-3 निकल के आएगा। तो आपने क्या देखा कि ये एलिमेंट कहां से निकल के आए हैं, ये a क्रॉस a से निकल के आए हैं, यानी r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a। इसके पहले सेट थ्योरी पढ़ लीजिएगा कि सबसेट वगैरह क्या होते हैं। यानी कि किसी भी सेट a से a में अगर कोई रिलेशन, कोई संबंध डिफाइंड है, परिभाषित है, तो वो a क्रॉस a का सबसेट होगा। अगर कोई रिलेशन a से b में डिफाइंड है तो a क्रॉस b का सबसेट होगा। जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट है, और आपने कहा रिलेशन इसका सबसेट होगा, यानी इसमें जितने भी सबसेट संभव है उतने रिलेशन पॉसिबल है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, कितने प्रकार के संबंध होंगे, तो आप कहेंगे 2 की पावर 9 प्रकार के होंगे, क्योंकि आपने सबसेट में पढ़ा है कि अगर सेट, किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसमें सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। चूंकि यहाँ 9 एलिमेंट है, इसमें सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 9, तो यहाँ 2 की पावर 9 प्रकार के रिलेशंस होंगे, जिसमें पहला एलिमेंट डोमेन कहलाएगा, दूसरा एलिमेंट रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो चूंकि आपके यहाँ रिलेशन का बहुत डीप स्टडी नहीं है, वो 12th में पढ़ाई गई है, यहाँ केवल डोमेन और रेंज आपसे पूछा गया है, कोडोमेन पूछा गया है, तो इसके सभी एलिमेंट डोमेन, इसके सभी एलिमेंट कोडोमेन, और रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट, जो रिश्तेदार है आपस में, वे कहलाएंगे रेंज। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 2.2 एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। जरा देखिए ध्यान से, थोड़ा टेक्निकल एक्सरसाइज है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। देखिए, एक्सरसाइज है 2.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 2.2। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। ये कह रहा है एक सेट ए है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 14, 1, 2, 3 अप टू 14, ये कोई सेट ए है, और एक रिलेशन है ए से ए में, रिलेशन किसमें है, ए टू ए के बीच में एक रिश्तेदारी, फंक्शन नहीं है ये, रिलेशन है, फंक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है। और ये रिलेशन किस प्रकार से दिया गया है, ये रिलेशन है x कामा वाई, यानी इनके कोई भी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन है, सच दैट 3x-y इज इक्वल टू 0, जहां x और y जो है वो a को डिफाइंड करते हैं, यानी y इज इक्वल टू यहां क्या आएगा 3x। तो आप x रखते जाओ और y की वैल्यू निकालते जाओ। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि डोमेन निकालो, कोडोमेन निकालो और रेंज निकालो। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से ए में रिलेशन है, ठीक है, तो पहले हम एक्स की वैल्यू यहां पर 1 रखते हैं, तो एक्स को 1 रखेंगे तो 3 × 1 3, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 3। एक तो रिलेशन 1 का 3 के साथ हो गया, एक्स ये है, वाई ये है, एक्स कामा वाई यहां पर हो गया। इसके बाद एक्स को 2 रखते हैं, जब 2 रखेंगे 3 × 2 = 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, एक रिलेशन 2 का 6 के साथ आ गया। कह रहे हैं कि y है x का 3 गुना होना चाहिए, x को रखेंगे 3 तो y क्या आएगा 9, एक 3 का 9 के साथ आ गया। एक बार x को रखेंगे 4, y क्या आएगा 4 × 3 = 12, एक 4 का 12 के साथ आ गया। x को रखेंगे 5, y क्या आएगा 15, क्योंकि 15 यहां पर है नहीं, इसलिए ये वाला रिलेशन यहां हम नहीं ले सकते। तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, रिलेशन जो निकल के आपका आएगा वो आएगा 1 का 3 के साथ, यानी 1, 3, 2 का 6 के साथ यानी 2, 6, 3 का 9 के साथ यानी 3, 9, और 4 का 12 के साथ, ये रिलेशंस आपके आए। इस प्रकार के रिलेशन में ये रिलेशन हमने निकाल लिए। अब आपसे कह रहे हैं कि डोमेन निकालो,
रेंज निकालो और कोडों में निकालो। जरा सावधान इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये आपका ए सेट था, ये आपका ए सेट है। एक मिनट, तो देखिए एक एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू 14। बी के क्या है, 1 2 3 4 अप टू 14। देखिए डोमेन रेंज और को डोमेन होता क्या है, मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी फंक्शन आएगा उसमें अलग कॉन्सेप्ट है, फलन में अलग है, मैं संबंध की बात कर रहा हूं। देखिए 1 किससे जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है। 2 किससे जुड़ा हुआ है, यहां पर रास्ते में 6 था उससे जुड़ा हुआ है। 3 किससे जुड़ा हुआ है, यहां रास्ते में 9 था उससे जुड़ा हुआ है। और 4 किससे जुड़ा हुआ है, 12 से जुड़ा हुआ है। इसमें 13 भी है, 14 भी है और भी नंबर है, 7 भी है, 8 भी है, ये सब सारे नंबर हैं। देखिए सबसे पहले डोमेन निकालना, जिसको कि हमने प्रांत कहा था। देखो डोमेन लिखते कहते हैं डोम किसका, रिलेशन का डोम। तो देखिए हमने भी कहा था कि इसके सभी एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, जी नहीं, इसके सभी एलिमेंट डोमेन तो हैं, लेकिन जो इसके साथ रिश्तेदारी रखते हैं वो डोमेन होंगे, यानी 1 से लेकर के 1 2 3 4 ये डोमेन होंगे। रिलेशन की बात हो रही है, संबंध की है, ध्यान रखिएगा। फंक्शन का डोमेन अलग होगा, एग्जाम में तो कहेंगे फंक्शन है उसका डोमेन निकालिए, रिलेशन है उसका डोमेन निकालिए, यहां पर रिलेशन की बात हो रही है, संबंध की बात हो रही है। तो इधर के एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं वो जो उसके साथ रिश्तेदारी रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको को डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज का मतलब होता है परिसर। इधर के वो एलिमेंट जो इसके रिश्तेदार है, 3 6 9 12, 3 6 9 12 ये परिसर हो गया। अब कोडोमेन क्या होगा, देखिए कोडोमेन इसके सभी एलिमेंट होते हैं, ये चाहे वो उसके रिश्तेदार हो चाहे ना हो। तो जब कोडोमेन निकालेंगे तो ये सभी एलिमेंट कोडोमेन कहलाएंगे। कोडोमेन 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 लिखेंगे तो ये 1 2 3 अप टू 14। तो हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा कि कोई सेट दिया होगा, उसके एलिमेंट के बीच कुछ रिलेशन दिया होगा, रिलेशन का बहुत डीप स्टडी इंटर में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का यहाँ बताया गया है कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत इंटर में पूरा बहुत भयंकर रूप से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कॉन्सेप्ट केवल कोडोमेन रेंज निकालने का है। तो जिस टाइप का रिलेशन दिया हो उनके एलिमेंट पे, वो यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिफाइंड अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर का मतलब भयंकर रूप से बहुत सारे, एक नेचुरल नंबर है इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे जिन्हें गिन नहीं सकते आप, और इनके एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन है। किस प्रकार से है, x कामा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर, और x इज लेस देन 4। ये रिस्ट्रिक्शन आ गया, मतलब आप x का मान रखोगे लेकिन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेस देन 4 है। यानी मैं जब x को 1 रखूंगा तो y क्या आएगा, 1 प्लस 5। y क्या आएगा, 1 प्लस 5 मतलब 6, 5 बड़ा है y x से। जब x को मैं 2 रखूंगा तो y क्या आएगा, 2 प्लस 5 यानी कि 7। जब x को मैं 3 रखूंगा तो y क्या आएगा, 3 प्लस 5 यानी कि 8। x को 4 में नहीं रख सकता क्योंकि यहां पर इक्वल टू 4 नहीं लिखा हुआ है, 4 से छोटा नेचुरल नंबर। तो रिलेशन क्या आया है, एक तो 1 का 6 के साथ आया है, फिर हम बता दें ये 11th क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं यहां पर है। 2 का 7 के साथ है, 3 का 8 के साथ है। जरा समझिएगा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अगर आप इसको रे डायग्राम से समझाना ही चाहते हैं तो ये आपके नेचुरल नंबर है, ये ए है नेचुरल नंबर का सेट, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, यहां भी 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर है, यहां भी 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर है। तो यहां पर 1 जो है वहां के 6 से जुड़ा हुआ है,
यहाँ का टू जो है वो सेवन से जुड़ा हुआ है, थ्री एट से जुड़ा हुआ है, तो डोमेन क्या हो गए वन टू थ्री, रेंज क्या हो गए सिक्स सेवन एट, को डोमेन क्या हो गए ये नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए डोम आर निकालिए, तो इधर के वो एलिमेंट जिस जो उधर के एलिमेंट के रिश्तेदार हैं वन टू थ्री, अगर आपसे कहा है रेंज आर निकालिए, रेंज आर जिसको कि परिसर कहते हैं, तो सिक्स सेवन एट, अगर आपसे कहा जाए कि कोडोमेन निकालिए, सह प्रांत कहते हैं, तो आप कहेंगे सभी नेचुरल नंबर। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। यहां पर वैसे इन्होंने आपसे केवल ने पूछा है रेंज भी नहीं पूछा है, नेचुरल नंबर का रिलेशन पूछा है, डोमेन पूछा है, सब पूछा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जरा थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि किसका किसके साथ रिलेशन है, कौन से सेट दो दिए गए हैं। इसमें कहा गया है एक सेट ए है वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फाइव। थर्ड क्वेश्चन में एक सेट ए दिया गया है वन टू थ्री फाइव, एक सेट बी दिया गया है फोर सिक्स नाइन, बी दिया गया है फोर सिक्स नाइन, और कह रहे डिफाइंड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी जो रिलेशन है ए टू बी में है। देखिए फंक्शन में भी एफ ही लिखा जाता है, लेकिन वहां वर्ड फंक्शन लिखा होगा, रिलेशन ए से बी में है, और रिलेशन दिया कैसे, जरा ध्यान से लैंग्वेज को समझिएगा। रिलेशन दिया है एक्स कामा वाई, इसका मतलब ए टू बी होता है तो पहला एलिमेंट ए का होता है, दूसरा एलिमेंट बी का होता है, वहां ए टू ए हो रहा था। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, जहां पर एक्स बिलोंग कर रहा है ए को और वाई बिलोंग कर रहा है बी को। जरा समझिएगा, अब जितने भी ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते हैं उन्हें पहले आप बनाइए, या तो मन में बना लीजिएगा या तो दिखा दीजिएगा। यहां पर हम जरा मन में बनाते हैं, एक वन का फोर के साथ होगा, उन्होंने ऑड नेचुरल नंबर नहीं कहा है, केवल ऑड नंबर कहा है, वो माइन थ्री भी हो सकता है और माइनस थ्री भी हो सकता है। देखिए अगर मैं वन फोर करता हूं तो वन माइनस फोर क्या आएगा, माइनस थ्री, थ्री ऑड नंबर है, तो एक तो ये रिलेशन होगा एक ऑर्डर पेयर जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। वन का सिक्स साल लिखिएगा, वन माइनस सिक्स फाइव, ये भी ऑड होगा, तो एक वन का सिक्स साथ हो सकता है ऑर्डर पेयर, वन का नाइन के साथ, वन का नाइन से डिफरेंस क्या होगा एट, जो कि इवन नंबर है छोड़ दीजिए, दो के साथ आइए, दो का चार के साथ डिफरेंस दो होगा, दो का छह के साथ डिफरेंस चार होगा, इवन नंबर है, दो का नाइन के साथ डिफरेंस सेवन होगा, तो ये ऑड नंबर है तो टू का नाइन के साथ हो गया। थ्री पे आइए, थ्री का फोर के साथ डिफरेंस वन होगा, वन ऑड नंबर है, एक थ्री का फोर हो जाएगा, थ्री का सिक्स के साथ डिफरेंस थ्री होगा, ये भी ऑड होगा, थ्री का नाइन साथ डिफरेंस सिक्स होगा, इवन होगा, फाइव फोर वन होगा, तो एक रिलेशन फाइव फोर हो जाएगा, एक फाइव सिक्स हो जाएगा और फाइव नाइन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर दो नंबर का डिफरेंस ऑड कह रहे हैं तो दोनों ऑड होंगे तब भी ऑड नहीं होगा, दोनों इवन होंगे तब भी ऑड नहीं होगा, तो एक इवन एक ऑड होना चाहिए तभी डिफरेंस ऑड आएगा। तो ये रिलेशन आया, ठीक है। इसमें ए से बी में रिलेशन है तो बी के एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। पहले जो एलिमेंट इसके हैं वो डोमेन, सेकेंड एलिमेंट इसके कोडोमेन। रेंज कह क्या रहा है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, हमसे और कुछ नहीं कहा, रोस्टर फॉर्म में कहने के लिए कहा गया, रोस्टर फॉर्म में, जहां पर ये जो मेथड होता है जो प्रॉपर्टी लिखी होती है उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म जो होता है सारणीय मेथड जो होता है, इसमें सभी एलिमेंट लिखने पड़ते हैं, तो इसमें डोमेन नहीं पूछा है, केवल यही आपसे पूछा है। अब जरा फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक फिगर बना हुआ है जिसमें P और Q के बीच में एक रिलेशन दिखाया गया है,
एक ये पी बना हुआ है, एक सेट पी है और एक सेट क्यू है। पी के अंदर एलिमेंट है 5, 6, 7 और इसके अंदर है 3, 4, 5 और 5, 3 से रिलेट है इसका संबंध, 6 का 4 से संबंध है और 7 का 5 से संबंध है। कह क्या रहे हैं आपसे कि आप इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। पहले ये कह रहे हैं कि आप सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको कि हिंदी में कहते हैं गुण विधि, गुण विधि में लिखना है। जरा समझिएगा, एक हमने कहा R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, पहला एलिमेंट किसका है, इसका, दूसरा इसका। ध्यान से समझिएगा, 5 और 3 में क्या संबंध है, 5 जो है वो इससे 2 छोटा बड़ा है, 6 जो है इससे 2 बड़ा है, 7 जो है वो इससे 2 बड़ा है, यानी जो 5 है वो 3+2 है, 6 जो है वो 4+2 है, 7 जो है वो 5+2 है। तो आपने क्या देखा कि इसमें x जो है सच दैट x किसके इक्वल है, y प्लस 2 के इक्वल है, नहीं है। जब x को आप y को रखेंगे 3, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा, y को रखेंगे 4, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, y को रखेंगे 5, 2 ऐड करेंगे ये मिल जाएगा। जहां x किसको बिलोंग कर रहा है, p को, और y किसको बिलोंग कर रहा है, q को। तो ये तो आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म गुण विधि। फिर दूसरा आपसे कह रहा है कि भाई इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म, सारणी मेथड, सारणी विधि, तालिका विधि भी कहते हैं इसको कहीं कहीं पर, आपकी बुक में जो लिखा हो तालिका विधि। इसमें क्या करते हैं, जितने भी रिलेशन यहां पर है वो लिख दीजिएगा उठा करके, यानी कि 5, 3, 5, 3 ऑर्डर पेयर में लिख दीजिएगा, 6, 4 और 7, 5 ये हो गया। फिर आपसे कह रहे हैं इसका डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए, डोम ऑफ आर। डोमेन क्या होता है, पहले एलिमेंट 5, 6, 7 और रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट, रेंज ऑफ आर 3, 4, 5। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा टेक्निकल है, टफ नहीं है, जरा 5 को ध्यान से समझें, पहले इसकी लैंग्वेज समझें, भाषा इसकी समझिएगा। देखिए 5 क्या कह रहा है, एक सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आर इज अ रिलेशन ऑन ए, यानी ए से ए में डिफाइंड है और आर एक रिलेशन है ए में ए कॉमा बी, सच दैट B is exactly divisible by A. B is exactly divisible by A. पहले इसका मतलब समझिएगा, B A से डिवाइड हो रहा है, यानी B अपान A अगर करें तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, यानी सेकेंड एलिमेंट अपान फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट अपान फर्स्ट एलिमेंट। तो नियम तो यह है, पहले ए क्रॉस ए निकालिए, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, 2, 1, 2, 3, 2, 4 बहुत सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 25 एलिमेंट आएंगे। तो इसमें आप थोड़ा दिमाग लगा के लिखिएगा, सेकेंड एलिमेंट जब 1, 1 लिखेंगे, बाद वाला एलिमेंट 1 है तो 1/1 डिवाइड हो रहा है, तो ये हम एक तो 1, 1 हो गया। जब 1, 2 लिखेंगे तो 2/1 लिखेंगे, डिवाइड हो रहा है,
एक 1-2 हो गया, एक 1-3 हो गया, एक 1-4 हो गया, एक 1-6 हो गया। अब 2 पे आइए, जब 2-1 लिखेंगे, लिखेंगे क्या हम 2-1, तो ये 1/2 लिखेंगे, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो डिवाइड तो हो नहीं रहा, नहीं लिखेंगे, 2-2 डिवाइड हो रहा है, तो एक 2-2 हो गया, 2-3, 3/2 डिवाइड नहीं हो रहा है, 2-4, 4/2 डिवाइड हो रहा है, तो 2-4 हो गया, 2-6, 6/2 डिवाइड हो रहा है, 2-6 हो गया। 3 पे आइए, 3,1, 1/3 नहीं हो रहा है, 3,2, 2/3 नहीं हो रहा है, भाई 3,2 जब लिखेंगे तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट लिखना है ना, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, एक तो 3-3 हो गया, 3-4, 4/3 नहीं हो रहा है, 3-6, 6/3 हो रहा है, तो 3 का 6 हो गया। 4 पे आइए, 4-1, 1/4 नहीं हो रहा है, 4-2, 2/4 नहीं हो रहा है, 4-3, 3/4 नहीं हो रहा है, 4-4 हो रहा है, 4/6 नहीं होगा, 6-1, 1/6 नहीं हो रहा है, 6-2, 2/6 नहीं हो रहा है, 6-2 का मतलब होता है कि 2/6 होना चाहिए ना, नहीं कट रहा है, तो 6-6 हो जाएगा एक। तो ये आपका तो रिलेशन हुआ पहली बार। फिर आपसे कह रहे हैं कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, लिख दिया हमने। फिर कहते हैं इसका डोमेन निकालिए, तो डोमेन आप कैसे निकालेंगे, डोम ऑफ आर, हमने कहा था फर्स्ट एलिमेंट, एक तो 1 है, 1 चाहे इतनी बार लिखा हो लिखेंगे एक ही बार, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो डोमेन हो गया। फिर कहते हैं रेंज निकालिए, डोमेन मतलब प्रांत, रेंज मतलब परिसर, रेंज ऑफ आर, रेंज में क्या लिखेंगे, सेकेंड एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, ये आपके रेंज हो गए जाकर। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन और कैसे रिलेट होंगे ये सब इंटर में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर वहाँ बताया जाएगा कि आपने 11th में पढ़ा होगा, फिर आप टीचर से झूठ बोलेंगे कि हमको पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ये टेक्निकल तो नहीं है लेकिन ये उसका एक फाउंडेशन है 12th क्लास के उस चैप्टर की जो यहाँ बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, एक रिलेशन दिया है R इज इक्वल टू x, x plus 5, ऐसे लिखा है इन्होंने, सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये दिया गया है। फिर डोमेन और रेंज आपसे पूछा है, पहले रिलेशन देख लेते हैं। देखिए पहले x को, अब इसे आपको पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तिक गुणनफल, 0, 0, 0, 1, 0, 3, तो करीब 25 एलिमेंट आएंगे, 36 आएंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, 36 आएंगे। देखिए पहले x को रखेंगे 0, तो ये 0+5 आएगा, तो 0 और 0+5 क्या हो जाएगा, 6, अब 6 तो वहाँ है नहीं, तो ये तो एलिमेंट आएगा नहीं, एक मिनट देख लीजिए पहले। फिर x को रखेंगे 1, तो 1 कामा ये 1+5 आएगा, तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 के साथ 7 आएगा, 3 रखेंगे 3 के साथ 8 आएगा, 5 बड़ा होगा होना चाहिए, 4 रखेंगे 4 के साथ 9 आएगा, 5 रखेंगे 5 साथ 10 आएगा। क्वेश्चन पूरा पहले देख लेते हैं, ये कह रहे हैं कि डोमेन निकालिए और रेंज निकालिए, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, x बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, इट इज नॉट सेट, यानी x इसके अंदर से आया हुआ है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 और रेंज क्या होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहला एलिमेंट किसका है, उन्होंने ध्यान से टेक्निकल क्वेश्चन है, ये किसी सेट के बीच के एलिमेंट नहीं है, x को जो भी यहां रखोगे उससे 5 बड़ा यहां मिलेगा। फिर समझ लीजिएगा यहां पर कोई, अब आप कहेंगे साहब यहां पर तो 6 है नहीं, आपने कैसे लिख दिया, उन्होंने ये हमसे नहीं कहा,
कि ये ए सेट का है, ये बी सेट का है, कोई सेट नहीं दिया है। उन्होंने कहा अगर एक्स ऐसा है तो वाई उससे फाइव बड़ा होगा, वो किसी सेट में रहा होगा। फिर समझिएगा, ये किसी एक सेट, ये किसी दूसरे सेट के एलिमेंट नहीं है, किसी और सेट के होंगे, उस सेट के बारे में यहाँ नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा एक्स यहाँ पर अगर ये है तो जो उसका रिलेटिव होगा उससे फाइव बड़ा होगा, बस वो कहाँ होगा हमसे मतलब नहीं है। तो रेंज निकालेंगे क्या होगा, ये वाले एलिमेंट आपके सिक्स, बाद वाले जीरो के साथ सिक्स, सॉरी जीरो के साथ फाइव आएगा, जीरो प्लस फाइव करेंगे ना, तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर समझ लीजिएगा, ये किसी, अब आप कहेंगे साहब यहाँ पर एलिमेंट तो है नहीं, ये किसी एक सेट, ये किसी एक सेट में है, वो सेट के बारे में नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कोई सेट है उससे आपने एक्स उठाया, अगला सेट है उसमें उससे फाइव बड़ा जो एलिमेंट होगा उसका रिलेटिव है, उस सेट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए डायरेक्ट लिखा गया है। इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन देखिएगा, सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब। यहां भी सेट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, एक्स क्यूब, अरे जो यहां एलिमेंट लिखेंगे यहां उसका क्यूब होना चाहिए, लेकिन आगे दिखा गया सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन टेन, अभाज्य संख्याएं, इसको आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं, जो अपने और एक के अलावा किसी से भाग ना हो। तो पहले तो प्राइम नंबर देख लेते हैं, देखिए जो प्राइम नंबर्स होते हैं एक तो दो होता है, अब वन पे लफड़ा है, वन प्राइम है कि नहीं है। प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन हमें याद कराई जाती है कि प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, अपने आप से डिवाइड होते हैं और वन से होते हैं। अब प्रॉब्लम है वन तो अपने आप से भी होता है, वन से भी होता है, तो वन प्राइम है कि नहीं है लफड़ा है। तो इसकी जरा डेफिनेशन समझ लीजिएगा, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके पास दो डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, जिसके दो अलग अलग फैक्टर हों, एक वो खुद हो और एक वन हो। अब जरा वन पे आ जाओ, वन के पास फैक्टर क्या होते हैं, वन और वन, वन के गुणनखंड क्या है, वन और वन, ये दोनों अलग अलग है नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि दो अलग अलग फैक्टर हों, तो वन नहीं हो सकता, एक तो दो होगा, एक तीन होगा, चार नहीं होगा, एक पांच होगा, छह नहीं होगा, एक सात होगा, आठ नौ नहीं होगा, ये एलिमेंट है। तो जो रिलेशन आपका आएगा, पहले एक्स को टू रखेंगे तो ये एट आएगा, उसका क्यूब करना है, फिर थ्री रखेंगे सत्ताईस आएगा, फिर फाइव रखेंगे तो एक सौ पच्चीस आएगा, फिर सेवन रखेंगे तो थ्री फोर्टी थ्री होगा। फिर आपसे कह रहे हैं कि आर निकालो, निकाल लिया हमने रोस्टर फॉर्म में, यही आपसे पूछ रहे हैं। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन देखिए क्या होता है, एट्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है एक सेट ए है एक्स वाई जेड, और एक सेट बी है वन टू, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये लफड़ा है। देखिए अभी हमने बताया कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी ना भी निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया गया है, हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी उसका लिंक दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ए में कितने एलिमेंट हैं तीन, बी में कितने हैं दो, कुल कितने होंगे छह। जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो छह एलिमेंट होंगे, ठीक है, अगर छह एलिमेंट है तो उसमें सबसेट कितने होंगे, टू की पावर सिक्स। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स यानी उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, टू की पावर सिक्स, और जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं,
उतने ही संबंधों की संख्या हो। तो भी बता चुके हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो जितने सबसेट पॉसिबल हैं उतने रिलेशन पॉसिबल हैं, ठीक है। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा, ये बेसिक जानना चाहते थे कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है नहीं आता है, इसलिए हमने वहां बता दिया था आपको। इसका बेसिक देख लीजिएगा, इंटर में आपको इसका बहुत डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा। नाइन्थ ये कह रहे हैं कि आर बी द रिलेशन फ्रॉम जेड डिफाइंड ऑन आर डिफाइंड बाय जेड से जेड में, जेड मतलब इंटीजर। देखो आप इंटीजर को, पूर्णांक को आई से लिखते हैं, एक्चुअली में उसका जो स्टैंडर्ड नाम है जेड ही है। एक अरब कंट्री में एक बुक है, वहां जहलन एक वर्ड है, वो इंटीजर के ऊपर लिखी गई है, वहीं से जेड वर्ड आया है, ठीक है। आर एक रिलेशन है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर और ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी आल्सो एन इंटीजर। तो ये तो आप जानते हैं कि आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, कोई भी दो ले लीजिए, उसको माइनस करोगे तो इंटीजर आएगा। तो कह रहे डोमेन निकालो, तो इसके सभी एलिमेंट उस रिलेशन को फुलफिल करेंगे, तो जो डोमेन होगा वो भी इंटीजर होगा, और फिर कहते हैं रेंज निकालो और रेंज भी इंटीजर होगा। रेंज भाई सिंपल सी बात है, यहां इंटीजर है 1 2 3 बहुत सारे जीरो, 1 2 3 -1 -2 यहां भी बहुत सारे इंटीजर हैं 0 1 2 3 -1 -2। आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, कोई भी दो ले लो इसके, उसको माइनस करो तो जो भी आएगा वो इंटीजर आएगा। इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट उसके रिश्तेदार होंगे, तो सभी एलिमेंट डोमेन हो जाएंगे, और उधर कोई दो एलिमेंट आएगा सभी आएंगे, तो वो भी पूरा रेंज हो जाएगा, कोडोमेन भी वो होगा, ठीक है। अगर हमसे कहते कोडोमेन निकालो, सहप्रांत निकालो, तो वो भी पूरा जेड होगा। तो ये आपका रिलेशन है। इसके बाद बात की जाएगी फंक्शन। देखो पहले सेट थ्योरी पढ़ाई गई, उसमें कहा गया एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कहा गया फर्क तो पड़ता है, अगर मोजे के ऊपर जूता, जूते के ऊपर मोजा पहन के टहलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने ऑर्डर से लिखना शुरू किया, भाई और फर्क तो पड़ेगा ऑर्डर का, मैंने ऑर्डर लिखना शुरू किया, ऑर्डर पेयर पढ़ाया गया जिसको कि क्रमित युग्म कहते हैं। फिर ऑर्डर पेयर लिखा, फिर कितने प्रकार के ऑर्डर पेयर हो सकते हैं वो समझाया गया, फिर अगर एलिमेंट ऑर्डर में है तो उनमें रिश्तेदारी होगी तो रिलेशन पढ़ाया गया। अब वो रिश्तेदारी कुछ एक टाइप की रिश्तेदारी होगी कि मेरे रिलेटिव हैं वो रिलेशन है, ये मेरे रिलेटिव हैं कौन है, आपने एक स्पेशल बताया कि फूफा है, मामा है, बुआ है, ये पर्टिकुलर रिलेशन हो गया, ये किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।